कैलकुलेशन हमारा आसान बनेगा। तो हमेशा आपको यह समझना होता है कि हमारा डेटा अगर ऐसा है तो ये वाला मेथड लगाएंगे, डेटा ऐसा है तो ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ऐसे हम खूब सारी बातें करेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा एक ओवरव्यू था, दिमाग में हमारे आ जाएगा हाँ हमारे पास में दो मेथड है, एक सवाल को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है। अगर एक बार आपके दिमाग में ओवरव्यू गया, आपको हालांकि पूरा समझ में नहीं आया हमको मालूम है, लेकिन आपके दिमाग में चीजें तो चल रही है ना, और वो जब चीजें चल रही है तो जब आप सवाल देखोगे तो आपको कनेक्शन बनेगा। देखो कैसे कह रहा है कि भैया ये हमारी क्या है धनराशि, ब्याज की दर कितनी है बच्चा 8%, कितने साल की बात कर रहा है 1.5 साल की बात कर रहा है, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बच्चा 1.5 साल का मतलब होता है 1 वर्ष और आधा वर्ष, और आधा वर्ष को अगर आप महीने में बदलोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष कितना हो गया 6 महीना। अगर जरूरत पड़े तो बदलना है और नहीं जरूरत पड़े तो नहीं बदलना है, हालांकि मैंने इसमें बदल के दिखाया कि कैसे हम बदलेंगे। भाई हमें इसको प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना कि पूरा साइकिल कितना है और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो कितना है। तो देखो बच्चा ये जो 8% की दर है, ये 8% की दर है कितने महीने के लिए है 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए दर 8% है तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा 6 महीने का दर निकालना पड़ेगा। भाई समय हमारा आधा हो गया तो दर भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। कहने का मतलब है जो 1 साल है, जो पहला साल है, पहले साल में आपको 8% का ब्याज मिलेगा और दूसरे साल में आपको 4% का ब्याज मिलेगा, यही तो मतलब हो गया। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और ये बना लिया कि पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा इतना, दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा इतना। तो मैंने क्या बोला, अगर इजी परसेंटेज है, ये कैसी है आसान आसान परसेंटेज है, टिपिकल परसेंट तो है नहीं, आसान आसान परसेंटेज है, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड 1। मेथड 1 हमारा क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसमें आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सको। बस मेरा कहने का मतलब यह है मेथड 1 हमेशा तभी लगाएंगे जब हमारा ये वाला कैलकुलेशन आसान रहे। अब देखो अगर एक 8% है दूसरा 4% है तो भाई 8 4 12 और 12.32% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.32%। हमें यह मालूम चल गया है कि 1.5 साल में कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो मुझे मूलधन मालूम है, मुझे दर मालूम है, मुझे क्या निकालना है ब्याज निकालना है, तो जो ब्याज हो जाएगा बच्चा ये क्या हो जाएगा, मूलधन 15,000 गुणे 12.32 और बटे में बच्चा क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 का गुणा करो, 1 जीरो पहले से है, 15 2 3 दो अंक पे दशमलव आ जाएगा, 15 3 45 3 कितना हो जाएगा 48, लास्ट 8 आना चाहिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1848। सभी का यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेट करो, यहां आप यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, डिजिटल सम से भी कर सकते हो। इस मेथड में आपको हमेशा फायदा रहेगा, आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक, बोलो बच्चा सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है ना सभी को, आगे कैलकुलेशन करोगे तो बच्चा 1848। कैलकुलेशन अब आप अपने से किया करो, मेरे पे भरोसा मत किया करो, अब भाई कैलकुलेशन एग्जाम अब आपको देना है, आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, अगर अभी भी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो एग्जाम में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप मेरे को उतना ही फॉलो करो जितने में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन सब आपको अपने से करना है। अब अगर आप मेरे से कैलकुलेशन अभी भी सीख रहे हो तो आपको दिक्कत है, क्योंकि मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि कैलकुलेशन आपको खुद से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बच्चा दूसरे मेथड से भी मैं बता देता हूं, इस सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं और उसके बाद में भाई ये इजी परसेंटेज है तो दोनों मेथड से आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, 1 साल का ब्याज निकालो, 1 साल का ब्याज हो गया 1 और दूसरे साल का ब्याज हो गया 1:1, तो भाई इसका 8% निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, भाई इसका 8% निकालोगे 8/100 2 जीरो कट गया, 15/8 कितना हो जाएगा 120, 120 के बाद ये 0 तो बच्चा कितना हो गया 1200। पहले साल का जो ब्याज कितना हो गया 1200, तो भाई ये तो हमें पूरा मिलेगा पहले साल का ब्याज। अब दूसरे साल का ब्याज निकालना है
तो जो बच्चा वैल्यू यहां आती है वही वैल्यू यहां आएगी। और फिर अगला वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 8%, 1200 का 8% निकालोगे, 20 कट जाएगा, 12 बच्चा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1296। लेकिन ये हमें पूरा नहीं मिलेगा, ये हमें कितने साल का है बच्चा, ये हमारे आधे साल का है। तो जो इसमें ब्याज आएगा उसका क्या कर दोगे आधा कर दोगे, इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8, 16, 648। 1200 यहां है, 648 यहां है, तो टोटल बच्चा कितना हो जाएगा 1839 रुपए हो जाएगा। तो देखो ये है आपका मेथड टू, ये है आपका मेथड वन। मेथड टू से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, मेथड वन से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो बच्चा क्लियर हो गया, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, बस दोनों मेथड से कैलकुलेट करूंगा। ये है आपका मेथड वन और ये है आपका मेथड टू। दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं हर सवाल को, ताकि आपको आसानी से क्लियर रहे। लेकिन आप एग्जाम में एक ही मेथड लगाओगे, इजी परसेंटेज है तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। और अगर कठिन मेथड मतलब जो परसेंटेज वो क्या है कठिन है, तो कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो वाला मेथड लगाओगे। दर कितनी बात कर रहा है 10%, कैसा परसेंटेज है, इजी परसेंटेज, कैसे सॉल्व करना चाहिए, मेथड वन से सॉल्व करना चाहिए। कितने समय की बात कर रहा है, एक वर्ष 73 दिन। 73 दिन को अगर आप साल में बदलोगे तो भाई एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 73 दिन में कितने साल होंगे 73/365, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 1/5 साल। एक साल और 1/5 साल की बात कर रहा है। अगर बच्चा एक साल का ब्याज कितना है 10% है, तो 1/5 समय कितना कर दिया 1/5, तो दर भी कितना हो जाएगा 1/5, मतलब कितना हो जाएगा 2%। तो भाई 1% हमारा हो गया 10%, दूसरा परसेंट हमारा हो गया 2%, ये हमारा पहले साल का हो गया और ये हमारा दूसरे साल का हो गया। तो हमने क्या बोला बच्चा, 2 साल का टोटल परसेंट निकालो, 10 + 2 = 12 और 10 × 2 = 20, 12.2% हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, ये हमारी राशि है, इसका इतना परसेंट निकालना है। भाई ये तो बहुत ही आसान है, आपको आंसर में यही वाली डिजिट मिल जाएगी, 122 जहां पे दिखे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई यहां पे तो 1 है, इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो डिजिट तो यही रहेगी, डिजिट तो आपकी बदलने वाली नहीं है। तो भाई क्या करोगे, 10,000 का 12.2% परसेंट का मतलब बटे में क्या हो गया 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 अंक का दशमलव चला गया और 1 0 बच गया, 1220 क्या आ जाएगा आंसर। तो चाहे महीना हो चाहे दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 73 दिन आपको हमेशा याद रखना है, 73 हमेशा, 73/5 कितना होता है 365। अगर दूसरे मेथड से करते तो कैसे करते, वही मेथड भाई, एक निकालते और दूसरे साल का निकालते, दूसरे साल का निकाल के कितना कर देते 1/5 कर देते। भाई पहले इसका 10%, इसका 10% बच्चा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसका 10% निकालो मतलब ये वाला यहां पे कितना आ जाएगा 1000 और इसका 10% निकालोगे कितना हो जाएगा 100, 1000 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा 1100, 1100 का क्या करना है 1/5 करना है, तो इसका 1/5 करोगे तो 5 × 10, 5 × 10, 220, 1000 यहां 220 यहां, तो 1220 क्या हो गया टोटल आंसर। तो चाहे आप मेथड वन से करो चाहे आप मेथड टू से करो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा बच्चा सेम आएगा। लेकिन मेथड टू हमेशा किस वाले सवाल में लगाएंगे, जब ये परसेंटेज कैसी रहेगी आपकी टिपिकल। बोलो बच्चा क्लियर हो गया सभी को, और सवाल करते हैं इस पर। आप में दोनों मेथड से नहीं बताएंगे, अब हम एक मेथड से जिसमें आपका परसेंटेज आसान है या दो साल की बात कर रहा है। एक साल से दो साल के बीच की बात करेगा तो भाई मेथड वन ही लगाएंगे, एक साल से दो साल के बीच में बात करेगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है मेथड वन लगाएंगे, अनलेस कि आपका टिपिकल परसेंटेज हो, जैसे 12.5% हो गया, 16 × 2/3% हो गया, वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे दूसरे मेथड पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है धनराशि है, दर हमारी कितनी है 12% है, क्या कह रहा है कि 16 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 16 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 12, ये भाई 16 माह है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 12 + 4 महीना, 12 महीने का ब्याज बच्चा कितना है 12% है, तो 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। भाई 3 से भाग दे दिया तो यहां पर भी 3 से भाग दे दिया, 12 महीना + 4 महीना, और 12 महीने का परसेंटेज ब्याज कितना है 12%, तो 4 महीने का बच्चा कितना हो जाएगा 4%। भाई टोटल ब्याज निकाल लो 16 माह का कितना हो जाएगा,
12 प्लस 4, 12 4 कितना हो गया 16, 12 चौक 48 बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 16.48%। हमें यह मालूम चल गया कि भाई हमें 16 महीने में कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो भाई 15,000 का इतना परसेंट निकाल लो, 15,000 × 16.48 और बटे में 100। देखो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको यूनिट डिजिट या डिजिटल सम या किसी और मेथड से लगा सकते हैं? सबसे पहले डिजिटल सम देखो, ये बच्चा कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 10, 1। डिजिटल सम आपका कितना आ गया 6 आ गया, भाई ये 6 हो गया, 8 × 1 = 9, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10 का मतलब कितना हो गया 1, 1 × 6 करोगे तो डिजिटल सम कितना आ गया, जो डिजिटल सम है वो 6 आ गया। तो आंसर में देखो डिजिटल सम कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए, ये 7 × 2 = 9 बन गया, 5 × 4 = 9 ये 8 बन गया, 7 × 2 = 4 = 6 बन गया, 6 × 8 = 14, 14 का मतलब कितना बन गया 5 बन गया। तो भाई ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 6 में 2 आंसर मिल गए तो भाई बहुत दिक्कत है इसमें, 6 डिजिट खाली आगे पीछे कर दी गई। अब डीएस तो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन यूनिट डिजिट काम कर जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, तो यूनिट डिजिट लगा दो। यूनिट डिजिट में सीधे सीधे आपको बस गुणा करते जाना है, ये 2 0 से ये 2 0 जाएगा, 1 0 है, 15 × 8 = 120, 12 आ गया, 15 × 4 = 60, 60 12 करोगे कितना आ जाएगा 72, अंत में बच्चा कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनिट डिजिट लगा दिया हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चा क्लियर हो गया? इसमें कौन सा मेथड लगाया, मेथड 1। 2 साल में आप आसानी से मेथड 1 लगा सकते हो, ये 2 साल के स्पेशल कॉन्सेप्ट को भी आप इसको समझ सकते हो कि ये 2 साल का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पहले, ये सवाल जो है ये आपका समझो कि जो पहले दिन हम लोग ब्याज पढ़ते हैं ये उसी तरीके का सवाल है, लेकिन अगर हम वहां पे आपको समझाने की कोशिश करते तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। अभी क्या है कि आपने कई दिन पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लिया है, तो अब ये जो कठिन पार्ट भी है ये भी आपको आप आसान आसान लगेगा और सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने हर क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया, मतलब एक कॉन्सेप्ट, ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। 16,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखो, जब 2 साल से 3 साल की बात करेगा, जब 2 साल से 3 साल की बात करेगा तो हमारे कितने साल बनेंगे भाई? हमारा पहला साल बनेगा, हमारा दूसरा साल बनेगा और हमारा तीसरा साल बनेगा। तो भाई दर कितनी है 10%, तो पहले साल में तो आपकी 10% रहेगी, दूसरे साल में भी 10% रहेगी क्योंकि दूसरा बच्चा क्या है पूरा साल है, लेकिन तीसरे साल में कितना है 146 दिन। 146 दिन का मतलब होता है बच्चा 146/365, ये क्या बच्चा 73 × 2, तो यहां पे 73 से भाग दोगे 2 आएगा, यहां पे 73 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 5, 2/5 साल की बात कर रहा है। अगर 1 साल का ब्याज बच्चा कितना है 10% है, तो 2/5 साल का कितने का गुणा कर दिया 2/5 का, यहाँ पे भी 2/5 का गुणा करो, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4%। तो बच्चा यहाँ पे तीसरे साल का जो ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। अभी भी ये परसेंटेज क्या है इजी है, और ये हमारा कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत बदलाव, पहले साल में इतना परसेंट, दूसरे साल में इतना परसेंट, तीसरे साल में इतना परसेंट, ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये बहुत ही आसान है, 10 और 10 का टोटल आपको हमेशा याद रहता है बच्चा कितना होता है 21%। ये आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आसानी से हमें मालूम चल गया कि इन दोनों सालों का टोटल ब्याज कितना है 21% है, तीसरे साल का ब्याज बच्चा कितना है 4% है। अब इन दोनों में फिर से वही लगा दो x + y + xy/100। भाई डिस्काउंट में भी हमने पढ़ा कि जब 2 से ज्यादा 3 होते हैं या 4 होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 को सॉल्व करते हैं, फिर अगर 4 होते हैं तो अलग 2 को सॉल्व करते हैं, फिर बाकी जो 2 बचते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया ये आ गया, इसको और इसको एक साथ में लेकर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 21 और 4 जोड़ दोगे बच्चा कितना आ जाएगा 25, और 21 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 21 × 4 = 84, 25.84% आपको क्या मिलेगा टोटल ब्याज मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा मूलधन दे रखा है, इसका इतना परसेंट निकाल लो, कितना परसेंट निकाल लो भाई 16,000 का 25.84%। अच्छा
अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे आंसर हैं ये बहुत ही दूर दूर हैं। इसमें यूनिट डिजिट ना लगाओ, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। अगर ये दशमलव आठ चार परसेंट है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, अच्छा मान लो मैं 16,000 का 1% निकालूंगा, 16,000 का 1% निकालू तो 1/100 कितना आ जाएगा बच्चा, 160 रुपए। तो अगर मैं 1% तक वैल्यू हटाता हूं, जैसे मैंने एक सन्निकट 1% तक ले लिया भाई, मैंने 0.84 को इग्नोर कर दिया, तो मेरे उत्तर में कितने का चेंज आएगा, इससे भी कम का अंतर आएगा। लेकिन जो हमारे आंसर है बहुत दूर है, ये 3,000 है, ये 4,100 है, अच्छा ये भी 4,100 है, ये इतना है, गड़बड़ कर सकता है भाई, अगर 4,100 में आया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी एक बार देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 करोगे तो बता रहा बच्चा कितना आ जाएगा, 4,000। मतलब आपका इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अगर ये हमारा आंसर ना होता तो हम आसानी से बता सकते थे इसका 1/4% या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अगर ये नहीं मिला है तो भाई ये दो तो पहले बेकार हो गए, ये दो तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में देखो क्या डिजिटल सम बराबर है कि अलग अलग, यूनिट डिजिट तो बराबर है, डिजिटल सम देख लो। डिजिटल सम की बात करेंगे तो 5, 4, 9, 8, 1, 9 आंसर कितना आ गया इधर, 4। यहाँ पे डिजिटल सम निकालो, ये हो गया 4, 4, 8, 1, 9 और यहाँ पे 4, 3 कितना हो गया, 7। डिजिटल सम बच्चा क्या है, अलग अलग, इसका 4 है इसका 7 है, तो जिसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम निकाल लो, 4 आए तो ये आंसर, 7 आए तो वो आंसर। बच्चा इधर कितना हो गया, 7, इधर देख लो, ये हो गया 5, 4, 9 और 8, 2, 10, 8, 2, 10 का मतलब कितना हो गया बच्चा, 1। और 7 और 1 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 7। डीएस आपका कितना आ गया, 7। अगर डीएस 7 आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि आप पूरा आंसर निकालो, आप लगभग लगभग और डीएस, इन दोनों से हमारा आंसर आ गया। अगर हम डीएस निकालते तो भाई हमें 4 का निकालना पड़ता, लेकिन एक लगभग मान निकालने से हमें मालूम चल गया ये आंसर और ये आंसर नहीं है, बाकी बचे दो आंसर का डीएस निकाला, इसका डीएस अलग है, उसका डीएस अलग है, तो हमने अपने सोल्यूशन का डीएस निकाला, हमारा 7 है तो जो आंसर का है भाई हमारा होना चाहिए सेम आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप एकदम आसानी से बच के निकल सकते हो कि नहीं भाई हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जनरली ऐसे सवालों में आपका मेथड 1 से हो जाता है, कुछ सवालों में 1-2 सवाल ऐसे पढ़ते हैं जिसमें हमें मेथड 2 की जरूरत पड़ती है, बाकी सारे सवालों में हमारा मेथड 1 लग जाता है। जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं देख रहे हो, एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं और सब में मेथड 1 लग जा रहा है। मेथड 2 पे बहुत रेयर एकाध सवाल आता है जिसमें हमें मेथड 2 लगाने की जरूरत पड़ती है। 18,000 की धनराशि को 15 माह के लिए 8% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। ध्यान देना यहां पे बच्चा अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक कितने माह की बात कर रहा है, 15 माह की बात कर रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीना 6 महीना, तो बच्चा कितना बच गया, 3 महीना बच गया, 6 महीना 6 महीना 3 महीना बच गया। अगर बच्चा 12 महीने का 8% है तो 6 महीने का भाई समय आधा कर दिया तो दर भी क्या हो जाएगा आधा, यहां पे 4%, यहां पे 4%, और फिर समय इसका भी आधा हो गया तो मतलब यहां पे दर और आधा हो जाएगा, 2%, 4%, 4%। ये पहले साल लगेगा, ये पहले साइकिल में, अब यहां पे क्या है साइकिल की बात होगी, यहां साल की बात नहीं होगी। जब दर हमने अर्धवार्षिक कर दिया तो क्या हो गया, 2 साइकिल से 3 साइकिल के बीच में हो गया, कॉन्सेप्ट लगेगा 2 साल से 3 साल के बीच वाला। तो भाई ये पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। अब हमें क्या करना है कि हमको ये बताना है कि 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ क्या है निकटतम पूर्ण संख्या में। बच्चा इस केस में हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, मूलधन की हमें क्या है जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो यह बताना है टोटल ब्याज कितना मिल रहा है। और मेथड 1 में हम यही सीखते हैं कि बच्चा हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल ब्याज का परसेंटेज ही तो निकालते हैं। और इसमें सीधे सीधे यही पूछा गया कि 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ क्या है, कुल कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा भाई, कुल कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा। तो भाई इन सबका निकाल लो, इन दोनों का निकालना बहुत आसान है, 4, 4, 8 और 4 चौक 16, 16/100 करोगे कितना आ जाएगा, 8.16%। अभी 8.16 हो गया, ये 2 हो गया, तो भाई इनका इसके साथ में ले लो। अब a प्लस बी करोगे तो 8, 2, 10, 10.16 आ गया, और इसका गुणा इसमें करोगे तो देखो 2 6 12, 2 51, 2 1 3 और 2 8 16, 2 अंक पे 10.16, अगर बटे में 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10.16 3 2, 1 6 3 2।
दो तीन दो, यहां पे तीन आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, दस, दस दशमलव तीन दो, तीन दो परसेंट, दस दशमलव तीन दो, तीन दो परसेंट। क्या कह रहा है, इसको निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्ण संख्या। देखो अगर ये दशमलव पांच के उस तरफ होता तो हम कहां पे लेके जाते, ग्यारह पे लेके जाते, लेकिन ये दस दशमलव तीन है, निकटतम पूर्णांक की बात करें तो इसके पास में जो पूर्णांक है वो कौन सा है, दस। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर नंबर, तो इसके पास वाला जो सबसे पास वाला नंबर है वो कौन सा है, दस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चा दस परसेंट, निकटतम में आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ग्यारह नहीं लेंगे बच्चा, ग्यारह निकटतम नहीं है, अगर ये जैसे मान लो यहीं पे आता है दस दशमलव पांच एक, अगर ये दस दशमलव पांच एक आता तो ग्यारह परसेंट होता, ये अगर दस दशमलव चार नौ से कम है, दस दशमलव चार नौ से कम है तो भाई हमेशा कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अगर पांच भी होता, यहां पे पांच जीरो भी होता तो भी इधर ले लेते, लेकिन अगर चार नौ है तो इधर ही लेंगे। ठीक है रमन, वैसे ये रेलवे के एग्जाम में कई बार इतना क्लोज नहीं आता, लेकिन कई बार आ भी जाता है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम है उसमें आ जाता है, पहले नहीं आते थे, पहले बहुत दूर दूर रहते थे। ये वैल्यू आपको एकदम आसान दिखेगी, जैसे यहां 10 है तो यहां 11 देगा ही नहीं, 11 देगा ही नहीं, 12 देगा, 9 देगा, 13 देगा, तो आप आसानी से समझ पाते हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बट अभी के हिसाब से चलेंगे क्योंकि अभी हमारे एग्जाम में भाई बहुत क्लोज क्लोज आंसर देता है, तो हम अभी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर ढाई वर्षों में ब्याज इतना है, कितने साल की बात कर रहा है, ढाई साल की बात कर रहा है, किस दर से बात कर रहा है, दस परसेंट की दर से बात कर रहा है, ब्याज कैसा है, वार्षिक है। तो हम क्या कर लेंगे बच्चा, टोटल ब्याज निकाल लेंगे कि ढाई साल में कितना ब्याज बन रहा है, और उसको किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, सौ का मान निकाल लेंगे। देखो बच्चा कैसे करेंगे, ढाई साल की बात कर रहा है भाई, पहले साल में तो पूरा मिलेगा 10%, दूसरे साल में भी पूरा मिलेगा 10%, लेकिन तीसरे साल में आधे साल की बात कर रहा है तो भाई तीसरे साल में 10 की बजाय क्या हो जाएगा, आधा, कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। अब फिर से देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, दो दस, दस और दस का कितना होता है, 21% होता है। अब मालूम चल गया ये 21% है, ये 5% है, 21 और 5, 21 5 कितना हो गया बच्चा 26, और 21 गुणे 5 करोगे तो कितना होता है, 5 एकन 5 दुना 10, 105, 105 बटे 100 करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, 1.05। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फॉर्मूला लिख के आप निकालना, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। अब बच्चा ये कितना हो जाएगा, 27.05%। हमें यह मालूम चल गया कि ढाई साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, और इसी का मान किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, तो हमें किसका मान निकालना है, मूलधन का। मान लो मूलधन हमारा 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, इतना, इसका मान दे रखा है 100 का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर दिया, गुणा, गुणा हमारा कितना है 1623। अब देखो इसमें कैलकुलेशन हमारा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी का सॉरी डीएस डिजिटल सम बहुत आसान है। ये देखो कितना है 5, 6 5 11 का मतलब कितना हो गया 2, यहाँ पे बच्चा कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 9। सभी का डिजिटल सम अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, अलग अलग है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। देखो बच्चा डिजिटल सम कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 2 9, यहाँ पे क्या बच्चा 5, अगर नीचे 5 बच गया है तो 5 को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चा 2 से गुणा करते हैं, अगर नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी 2 से गुणा करते हैं। अब नीचे का डिजिटल सम 5 दुना 10 1, 7 2 9 ये खत्म, सब खत्म, नीचे हमारा 1 बन गया, ऊपर अब डिजिटल सम देख लो कितना हो गया, ये हो गया 6 3 9, यहाँ पे हो गया 3, 3 दुना कितना हो गया बच्चा 6, हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट 6000। वैसे गुणा भाग करके भी निकाल सकते थे, लेकिन डिजिटल सम से आसानी से हमारा आंसर आ गया। बोलो बच्चा क्लियर हो गया सभी को, अब आप समझ नहीं सकते ये जो सवाल हम लोग कर रहे हैं ये किस लेवल के सवाल हैं, ये एसएससी सीजीएल मेंस तक के एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते, और आप देखो कि हम कितने आसानी से इसको कर पा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन लग रहा है, कोई मेहनत हमें लग रही है, बहुत आसान है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ रखा है, कितने अच्छे से सीख रखा है, आप सवाल को कितना छोटा कर पा रहे हो,
अगर भाई इसी सवाल में मैं आपको सारा बेसिक से स्टार्ट करके समझाना जाऊं तो ये मेरा पूरा का पूरा पेज भर जाएगा, बट फिर भी आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने हर चीज को एकदम अच्छे से समझ रखा है, आपने रेशियो मेथड अच्छे से समझ रखा है, आपने सक्सेसिव मेथड एकदम अच्छे से समझ रखा है, तो भाई ये चीज आपके लिए एकदम आसान है। और मैंने आपको मतलब हर एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग इसीलिए सिखाया है कि भाई इसको भी ब्रेक करना सिखाया है कि आधे साल का रेट कितना होता है, सक्सेसिव मेथड भी सिखा रखा है, तो भाई दोनों मेथड लग के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10,000 की राशि पर 14% की प्रतिवर्ष की दर से 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, रुपया एक के निकटतम। देखो इसमें हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, मेथड वन से भी कर सकते हैं, मेथड टू से भी कर सकते हैं। इस सवाल में मेथड टू हम कब लगाते, जब हमारा ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू होती, मतलब 12,000, 15,000, 13,000 होता तो ये थोड़ा सा कठिन होता। इसको अगर हम परसेंटेज से करने जाते हैं सक्सेसिव मेथड से, 14% 14%, और भाई अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, देखो ये हो गया 14%, तो यहाँ पे 3 साल की बात हो गई है, तो पहले साल में कितना आएगा 14%, दूसरे साल में बच्चा कितना आएगा 14%, और तीसरे साल में 5/7 साल का है, 1 साल का इतना है तो इसका 5/7 करोगे, इसका 5/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 14 = 5 × 10 = 10% आ जाएगा। एक ये परसेंटेज हो गया, एक ये परसेंटेज हो गया, एक ये परसेंटेज हो गया। लेकिन इसका कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता था, इसका कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता था। अगर यहीं पे 12,000 15,000 होता तो हम लोग मेथड टू लगाते, लेकिन यहाँ पे 10,000 है तो हमें ये मालूम है कि भाई 10,000 का अगर हम कुछ परसेंटेज निकालते हैं तो इसका गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो डिजिट में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो भाई हम जो टोटल रेट का परसेंटेज होगा उसमें जो हमारी डिजिट बन रही होगी वही हमारे उत्तर में भी बन रही होगी, और निकटतम 1 रुपए में है तो भाई वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसके पास में जाएगा। अब देखो क्या करो, इन दोनों का निकालो, आसान है, 14 14 कितना हो जाएगा 28, और 14 का स्क्वायर करोगे, 14 × 14 कितना होता है 196, 196/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.96 आ जाएगा, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा 29.96%। अब देखो 1% आपका ये हो गया, 1% ये हो गया, आप इसको कठिन मत समझो कि ये हमारा बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है, इसमें भी अभी कैलकुलेशन नहीं है। x + y अगर इसको जोड़ोगे 29 है 10 जोड़ दोगे बच्चा कितना हो जाएगा 39.96 हो जाएगा, और जब आप इसमें 10 का गुणा करोगे और बटे में 100 करोगे तो 10 कट जाएगा और बटे में 10 आएगा, बटे में 10 आएगा तो एक अंक पे दशमलव इधर के जग जाएगा तो 2.996 आ जाएगा। देखो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 9 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 9 2 11 कितना हो जाएगा 12, और ये 4 4 2 9 5 और 42.956% आ जाएगा, 42.956%। तो भैया हमको मालूम है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए यही डिजिट मिलनी चाहिए, 4 2 9 5 4 2 9 5 4 2 9 5 चार ही डिजिट में है, तो भाई यहाँ पे आपका एक डिजिट ये सन्निकट हो रहा होगा तो 5 को क्या बदल देगा 6 में बदल देगा, हमारा आंसर बच्चा कितना आ जाएगा 4296 बी पार्ट आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस 10,000 का 42.956% निकाल लेना है, परसेंटेज हटाओगे बटे में बच्चा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, ये जो 2 0 है ये आपका दशमलव कहां पे खिसक जाएगा, यहां पे खिसक जाएगा 4295.6, तो 0.6 है तो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। देखने में है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग है कि आपको बताता है कि ये आसान है कि कठिन है, अगर आपको आपके दिमाग को लग रहा है कि ये आसान है तो आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपके दिमाग को लगेगा कि ये कठिन है तो फिर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, आपको आसान लगेगा ही नहीं, जबकि देखो बहुत ही आसान है। क्लियर हो गया बच्चा सभी को, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब पीछे वाले मेथड में इस तरीके के मैंने इतने ही एग्जांपल लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, और बहुत ज्यादा एग्जांपल लेने से भी बहुत फायदा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, हमें फोकस वहां पे रखना होता है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जो कम पूछा जाता है उस पर फोकस नहीं है, ठीक है। बट आपको मेथड आना चाहिए, 7 एग्जाम्पल लिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने 1 से 2 साल के लिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 से 3 साल के लिए हैं,
ठीक है। अब देखो हम लोग अगला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल मेथड है, इसमें आप सवाल देखो और फिर मैं इसी सवाल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। अच्छा नहीं, ये हमारे कल वाले मेथड के कुछ एग्जांपल है, चलो इसको कर लेते हैं। ये जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ सवाल, ये कल के कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल मैंने आज भी डाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको भी करते हैं और फिर एक एक कॉन्सेप्ट और बच गया है उसको भी करेंगे। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः इतनी और इतनी है, ये क्या कह रहा है बच्चा, दूसरे साल और तीसरे साल का क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया, जब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल मिश्रधन दिया होता है अलग अलग सालों का, तो आप दोनों सालों के बीच का अंतर निकालो भाई, पहले और तीसरे साल के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दो साल की बात कर रहा नहीं, दूसरे और तीसरे, अरे अंतर एक ही साल का है, तो एक साल की बात कर रहा है, ये बच्चा मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, तो हमको दर निकालना है। तो बच्चा हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से कर लेंगे भाई, अगर ये मूलधन है, अगर मैं 7% ब्याज लगाऊंगा तो देखो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 आ जाएगा, इकाई का अंक 4 बनना चाहिए जो कि है नहीं, 4 इकाई का अंक बनना चाहिए मतलब ये आंसर नहीं, 9 × 2 = 18, 8 बनना चाहिए जो कि हमारे आंसर में है नहीं, ये भी नहीं होगा, 10 का गुणा करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, 0 और 2 क्या आ जाएगा भाई, 10 × 10/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंत में 2 जीरो आ जाएगा, और देखो हमारा क्या है, अंत में 2 जीरो आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 से देखोगे तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 8 बन जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ सवाल और करते हैं, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 है, किस वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज 132 है, तो इसको बच्चा हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ट्रेंड हो गए हो कि आप आसानी से लगा सकते हो। देखो पहले साल और दूसरे साल में बच्चा आपको रिलेशन मालूम है, अगर 10% की दर है तो हम लोग दो चीजों की बात किए थे, हम मिश्रधन की बात किए थे और हम क्या बात किए थे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात किए थे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। मैंने बोला था पहले साल अगर इसको मूलधन मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है 132, तो बच्चा मूलधन निकालना है भाई, 10% ब्याज है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 का समान है तो कितने में बदल जाएगा, 11 में, अगर मूलधन हमारा 10 है तो मिश्रधन कितना है, 11, 11 का मान इसके बराबर दे रखा है तो 10 का मान किसके बराबर हो, किसका गुणा हो रहा है भाई, 12 का गुणा हो रहा है, 11 × 12 = 132, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 120, पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 120, और ये हमारा कितना है, 10% है भाई, जो पहले साल का ब्याज है वही हमारा एक साल का ब्याज होता है, मान लो हमारा मूलधन कितना है 100 रुपए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10, ये हमारा पहले साल का ब्याज, इसका मान किसके बराबर, इसके बराबर, किसका मान निकालना है, इसका मूलधन का मान बच्चा कितना हो जाएगा, 10 और बढ़ा दो 1200, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। दूसरे से पहले साल का निकाला, पहले से मूलधन निकाल लिया, रेशियो मेथड से भी कर सकते थे भाई, दूसरे 10% का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/10, कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, तो हम जो मूलधन मान लेंगे बच्चा कितना मान लेंगे, 10 × 10, और फिर हम क्या करेंगे बच्चा, कि हमने आपको बोल रखा है कि जो दूसरा साल होता है वो क्या होता है, 1:1, तो पहले इसका 10%, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 और 1, टोटल क्या हो गया, 11, बच्चा 11 का मान दिया है और किसका मान निकालना है, 100 का मान, 11 का मान कितना है इतना, तो 100 का मान कितना होगा, 100/11 और गुणे में कितना हो जाएगा, 132, ये भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा, 12 × 100 करोगे कितना आ जाएगा, 1200, तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से एकदम सेम ही आसान है, इजी है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो जब आप एग्जाम में सवाल देखोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये सारी चीजें स्ट्राइक करेंगे कि किस मेथड से करें, जो पहले दिमाग में स्ट्राइक कर जाए उससे कर देना, सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा मेथड लगाए ना लगाए, जो दिमाग में स्ट्राइक करके उसको लगा दो, आसान। वह धन ज्ञात कीजिए जिसका 10% की दर से तीसरे वर्ष में, हमें क्या दे रखा है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 968, तीसरे साल की बात कर रहा है, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल,
दर बच्चा कितनी है 10%। अगर 10% की दर है तो पहले और तीसरे साल के बीच में अंतर कितने का हो गया, पहले और दूसरे साल की जरूरत नहीं भाई, दूसरे साल का ना निकालो, हमें मूलधन निकालना है तो बस पहले साल का ब्याज निकालो। अगर आपने पहले साल का ब्याज निकाल लिया है तो आप आसानी से मूलधन निकाल सकते हो। कितने का अंतर है बच्चा, 2 साल का अंतर है, अंतर कितना हो गया 2 साल। तो मैंने आपको बता रखा था अगर 10% की रेट है, 1 साल की बात करेगा तो ए से बी जाएगा, 2 साल की बात करेगा तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा। 10% रेट का मतलब हो गया 1/10, 10 से क्या हो जाएगा 11 में, ये 1 साल में, 2 साल की बात करेंगे तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर ये तीसरे साल का ब्याज है तो ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, तीसरे साल का ब्याज बच्चा कितना हो गया 11 स्क्वायर, तो पहले साल का बच्चा ब्याज कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मान दे रखा है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 का मान दे रखा है तो 100 का मान निकाल लेंगे। लेकिन ये 100 हमारा क्या है, पहले साल का ब्याज, और ये किसका मान है, ये 10% का मान है। मान लो मूलधन हमारा 100 है तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10, 10 का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा भाई, 1 का मान 10 के बराबर तो 1 जरूर लगा लो भाई, 1000 अगर मूलधन है तो इसका 10% निकालोगे तो अभी तो हमारा क्या आएगा, ब्याज आएगा। ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया, ये हमारे हिसाब से तीसरे साल का ब्याज हो गया। तो हमें इसका मान निकालना है, उसका मान दिया, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा उससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, 12×8=96, 8 बार चला जाएगा, 8×8=8, 8×2=16, 8×8=9, तो आंसर कितना आ जाएगा 8000 रुपए। रेशियो मेथड से भी करते तो भी आपका वही आसानी से आता, ये हमारा ब्याज आता, ये हमारा मूलधन आता, क्यों, कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 10×10×10 मूलधन मान लेते और 1:1 निकाल लेते, 1:1 निकालते हो तो 121 ही आ जाता, क्लियर, आंसर 8000। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200 है, तो कह रहा है उसी राशि पर 10% ब्याज दर से, किस दर से 10% ब्याज दर से, किस साल की बात कर रहा है, चौथे वर्ष की बात कर रहा है, 4 साल की बात नहीं कर रहा, किस साल की बात कर रहा है, दूसरे चौथे साल की बात कर रहा है, तो भाई दूसरे साल की बात कर रहा है और चौथे साल की बात कर रहा है, तो अंतर बच्चा कितने साल का है, 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का अंतर है का कहने का मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर लगेगा। दर कितनी है बच्चा 10%, 10 का मतलब हो गया बच्चा 1/10, 10 अगर हम मूलधन मानते हैं तो एक ब्याज मिलेगा और 11 हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन, ये 1 साल का है, 2 साल की बात करेंगे तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर दूसरे साल में हम मूलधन माने हमारा कितना है 100, तो भाई चौथे साल में हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। भाई मैंने आपको बता रखा है ना, चाहे हम मिश्रधन की बात करें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की, या पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल पांचवें साल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, एकदम सेम रहता है, एकदम डिक्टो सेम रहता है, तो वही कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर इसको मूलधन मानोगे तो यहाँ पे ये मिश्रधन हो जाएगा, इसका मान आपको दे रखा है और इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अंत में 2 आ जाएगा, 12 का गुणा करो, 12×1=12, 12×2=24, 1 25, अंत में 5 2, अंत में 5 2 ये आ जाएगा, 12×2=24, 24×1=25, 12×1=12, 12×2=14, 1452 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप और किसी भी मेथड से इस सवाल को लगाने की कोशिश करोगे तो भाई ये सवाल इतना खतरनाक हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, है एकदम एक लाइन का सवाल। देखो हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन किया, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तो ये सवाल अगर आपको बेसिक मेथड से करना है तो इतना कठिन हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हाँ अब ये एक और स्पेशल टाइप है, ये फिक्स टाइप है, इसी टाइप पे सवाल आता है, ये फिक्स है कि मतलब यही हमारा टाइप है और इसी तरीके का आपको सवाल मिलेगा, और इसी तरीके का सवाल मिलेगा तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, अगर सवाल में कुछ एग्जाम में वेरिएशन होता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। देखो कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर,
तीन साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तीन साल के चक्रवृद्धि ब्याज और तीन साल के साधारण ब्याज का अंतर, इतनी लाइन लिखी हुई है। ठीक, ये मैंने लिख दिया। तथा इसके बाद में ये दूसरी लाइन, ये एक लाइन हो गई, तीन वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर, ये एक लाइन है। दो वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर, एक यहां पे तीन वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात कर रहा है, दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात कर रहा है, दो साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर की बात कर रहा है। का अनुपात, का अनुपात यहां पे ये भाषा इतनी बार रहती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक बार तथा यहां लगा हुआ है, एक बार तथा यहां लगा हुआ है, एक बार तथा यहां लगा हुआ है, बच्चा का दिमाग फट जाता है, ये तथा को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो बच्चा ये आपकी एक लाइन है, यहां से यहां तक की आपकी एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीन वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये दूसरी लाइन है। और उसके बाद में ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, इनका अनुपात 22/7 है। कहने का मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है और ये जो दूसरी वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो बच्चा कितना आता है, 22/7 आता है। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज दर कितनी है, रेट आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चा मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं, एकदम हमेशा याद रखना, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको इस तरीके से लिखना, जैसे ये हमारा वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स है, तो हमेशा इसको 3x + y1/x लिखना। ये बच्चा हमेशा इसी तरीके से ब्रेक होगा, ये x है तो x का 3 गुना और इसके अलावा, जैसे अगर ये हमारा 22/7 है तो 7 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 21 प्लस कितना बच्चा है 1 और बटे में कितना हो जाएगा 7, इसी तरीके से लिखना है। तो बच्चा ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी दर, रेट आपका बच्चा हो जाएगा 1/7। ये एकदम आसान है, आप एक बार में इसको निकाल सकते हो, रेट बच्चा कितना हो जाएगा 1/7। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीन वर्ष का साधारण ब्याज, गलती से ये ना लिखा हो, थर्ड ईयर सीआई ना लिखा हो, इन दोनों में अंतर आता है, थर्ड ईयर सीआई माइनस थर्ड ईयर एसआई, सेकेंड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर एसआई, ये अलग है, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हम बात करें कि ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये आपको अच्छे से मालूम है भाई। तीन साल तीसरे साल के तो बराबर होता है नहीं, तीसरे साल का मतलब होता है एक साल, तीन साल का मतलब होता है टोटल 3 साल, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। अब मान लो गलती से आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया तो क्या करोगे, तो भाई इसके लिए मेथड मालूम होना चाहिए कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे हमारा ये बनता है। दर 1/7, 1/7 ही हमारा भिन्न में, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/7 × 100, तो बच्चा कितना आ जाएगा 100/7, 100/7 का मतलब कितना हो गया 1498, 14 × 2/7%। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको मैं एक नया पेज लेता हूं, फिर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ था बच्चा, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बटे में 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो, हमको यह निकालना है। अच्छा, अगर आपको याद है तो बच्चा हमको 3 साल 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल की बात करें तो 2:1 हमारा रेशियो रहता है, 3 साल की बात करें तो 3:3:1 हमारा क्या रहता है, रेशियो रहता है। बच्चा ये हमारा क्या है I1, ये हमारा क्या है I2। अगर हमसे बोला जा रहा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, तो बच्चा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया, अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये I1 है, ये I2 है, ये क्या है I3, I1 I2 I3 मालूम है, I1 प्रिंसिपल पे ब्याज है, I2 I1 पे ब्याज है, I3 I2 पर ब्याज है, ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, तो बच्चा इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये जो मान है बच्चा कितना आ जाएगा 3 I2
प्लस का आई थ्री, थ्री आई टू प्लस का आई थ्री। अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और दो साल के सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो ये है बच्चा दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है बच्चा दो साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बच्चा कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, आई टू आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आई टू आ जाएगा। तो जो भी रेशियो है देखो बच्चा किस फॉर्म में आ रहा है, नीचे एक वैल्यू है, इसी का तीन गुना है और प्लस में एक वैल्यू है। और ये भी आपको बात मालूम है, ये जो I1 है ये प्रिंसिपल पे ब्याज है, I2 हमारा I1 पे ब्याज है, I3 हमारा I2 पे ब्याज है। कहने का मतलब अगर ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, मूलधन, तो बच्चा ये हमारा क्या है, ब्याज। अगर ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो बच्चा जो दर होती है वो क्या होती है, ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन, और गुणे में क्या होता है, सौ। यही हमेशा क्या आती है, दर आती है। अगर मान लो इसी में आपको तीसरे साल वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जो अभी हम लोगों ने पीछे बात की, तो तीसरे साल का रेशियो बच्चा कितना रहता है, 1:2:1। और अगर दूसरे साल की बात करें तो बच्चा रेशियो क्या रहता है, 1:1 रहता है। अब देखो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो भाई इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर आई वन आएगा, यहां पर आई टू आएगा, यहां पर आई थ्री आ जाएगा। ये तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। भाई सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आई वन रहता है, तो ये आई वन तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब तीसरा साल एक साल। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, बराबर, पहले साल में भी आई वन है, दूसरे साल में भी आई वन है, तीसरे साल में भी आई वन है। तो भाई ये तीसरा साल है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो तीसरे साल के थर्ड ईयर सी आई माइनस थर्ड ईयर एस आई अपॉन सेकेंड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर एस आई, ये निकालना है, तो बच्चा कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो बच्चा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i2 प्लस i3 अपॉन, यहां पे करोगे तो भैया ये दो साल, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, i2 आ जाएगा। तो इसमें केस में क्या आ जाएगा, i2। कहने का मतलब है इसमें एकदम अलग है, यहां पे 3 प्लस बन रहा है, यहां पे कितने गुना है, तीन गुना है, लेकिन यहां पे कितने गुना बनना है, दो गुना बनना है। तो भाई दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग है। अगर आपसे इसकी बात करेगा तो दो गुना प्लस करना, और इस केस में भी दर आपका वही आ जाएगा भाई, आई थ्री अपॉन आई टू और इंटू 100। तो चाहे एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए, चाहे एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए, आप दोनों को एकदम आसानी से हल कर सकते हो। बोल, सभी को क्लियर हो गया, दो चार एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, दो चार एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बस हमेशा ये आपको देखना है कि तीन वर्ष दिया है या तीसरा वर्ष दिया है। तीन वर्ष दिया है तो तीन वर्ष वाला कॉन्सेप्ट, तीसरा वर्ष दिया है तो तीसरे वर्ष वाला कॉन्सेप्ट। तीन वर्ष वाले में तीन का गुणा करना है, तीसरे वर्ष वाले में दो का गुणा करना है। कह रहा है तीन वर्ष के चक्रवृद्धि व्याज तथा साधारण व्याज का अंतर, दो वर्ष के चक्रवृद्धि व्याज तथा साधारण व्याज के अंतर का अनुपात 29:9 है। तीन वर्ष के चक्रवृद्धि व्याज और तीन वर्ष के साधारण व्याज का अंतर का अनुपात, दो साल के चक्रवृद्धि व्याज और दो साल के साधारण व्याज के अंतर के अनुपात, मतलब कितना है, 29:9। आपको क्या करना है, इसका तीन गुना, 9 × 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 27, और प्लस में क्या करना है, दो, और बटे में क्या करना है, 9। तो जो आपका रेट हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा, इतना रेट बराबर हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा भिन्न में। अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, गुणे 100, और 1/9 होता है बच्चा 11 सही 1/9, और 2/9 होता है बच्चा 22 सही 2/9%। भाई 9 × 18 22 सही 2/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर स्टार्ट की क्लास आप एकदम अच्छे से समझते हो, जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है, सर जी ये तो हमको आता है, क्यों बता रहे हो सर जी, ये तो हमको आता है सर जी, क्यों बता रहे हो। अगर ये आई वन और आई टू को आपने अच्छे से नहीं समझा होता, अगर आई वन आई टू आई थ्री को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा होता, तो आप मेरे को एक बार सोच के बताओ, क्या ये चीज आपको समझ में आती, कभी समझ में नहीं आती।
हम चाहे जितना बेसिक से समझाते हैं, हम चाहे कुछ भी कर लेते, चाहे हम उल्टे सर के बल खड़े हो जाते, ये बात आपको कभी समझ में नहीं आती और ये सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आई वन हमारा क्या है, आई टू हमारा क्या है, आई थ्री हमारा क्या है, हमें बस ये मालूम है कि आई थ्री आई टू पे ब्याज है, अगर ये मूलधन है तो ये हमारा क्या है, ब्याज है। बस ये चीज मालूम होने से ये हमारा देखो कैलकुलेशन कितना हो गया, आसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए 25 रुपए तथा 3 वर्ष के लिए 77 रुपए है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए कितना है, इतना है, और 3 साल के लिए कितना है, इतना है। कहने का मतलब है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो बच्चा यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये बच्चा कितना है 77, ये बच्चा कितना है 25। एक्चुअल मान है तो रेशियो निकाल लो, यही आ जाएगा। हमेशा इसको रेशियो से ही करो, एक्चुअल मान दिया है तो भी रेशियो से करो, रेशियो दिया है तो भी रेशियो से करो। मैंने इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, और मेरे को मालूम है इसको और आसान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते तो पहले आसान कर लेते। अब क्या करना है मुझे, इसका 3 गुना करना है, 25 से कितना हो गया 75 प्लस 2 और बटे में कितना हो गया 25। आपको मालूम है जो आपका रेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो दर हो जाएगी बच्चा हो जाएगी 2/25 और गुणे में कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अच्छा है तो सही, मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। 4 दुनिया बच्चा कितना आ गया, R=8%। मेरे को 8-4 दिख रहा था, मेरे दिमाग में 4 चल रहा था, 8%। क्लियर हो गया, और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाषा थोड़ी अलग अलग रहेगी, किसी में भाषा आपको आसान मिलेगी, किसी में भाषा बहुत घुमा फिरा के दी होगी, बस आपको समझना है कि क्या बोला। 3 वर्ष 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात, पहले तो 3 साल की बात कर रहा है और 2 साल की बात कर रहा है, फिर किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात कर रहा है, फिर क्या बात कर रहा है, उनके अनुपात की बात कर रहा है। इसीलिए बच्चा इस सवाल को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, 3 साल रहता है, 2 साल रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के लिए रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए रहता है, और फिर उनका अनुपात भी रहता है। इतनी सारी चीजें इसमें रहती हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा एकदम आसान रहता है, खाली सवाल पढ़ने के लिए कठिन है, कैलकुलेशन क्या है आसान। 23/7 कितना है बच्चा, 7, तो क्या करोगे, 7/3 कितना हो गया 21+2/7, तो हमारा जो दर आ जाएगा कितना आ जाएगा, जो हमारा रेट आ जाएगा, आ जाएगा 2/7/100, तो बच्चा कितना आ जाएगा, 200/7%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको सही बटे में बदलना होता तो हम सही बटे में भी बदल लेते आसानी से। ठीक है, अब देखो ये कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है, अब हमारा कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया, सब कॉन्सेप्ट खत्म, कुछ भी नहीं बचा। कोई भी सवाल अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मिले आप लगा सकते हो। अब आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, भाई सवाल लेके आओ, सवाल लेके आओ। हमेशा याद रखना कि एक आपको क्रमागत वाला याद रखना है, एक कौन सा याद रखना है, क्रमागत वाला, सक्सेसिव वाला तरीका, दूसरा हमारा रेशियो 2:1, 3:3:1, इसको पूरा रट लेना, 4:6:4:1, ये 2 साल 3 साल 4 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, ये रटा होना चाहिए आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम में आए तो हम इसको बना रहे, इसकी प्रैक्टिस और ये बात एकदम आपको रटी होनी चाहिए। ये भी याद करने का वही तरीका है भाई, ये भी देखो उसी तरीके से लिखा है, ये भी उसी तरीके से, इसके पहले क्या है 1:1, 11:121, 13:31, 14:641, 11:121, 13:31, 14:641, तो भाई बहुत आसानी से ये चीज आपको याद रह सकती है, ये याद रहना चाहिए। ये ज्यादातर सवाल जो आपके एग्जाम में फंसते हैं, जो आप नहीं कर पाते हो, वो इस मेथड से हल हो जाते हैं, अगर दर दिया है तो इस मेथड से हल हो जाता है।
उसके बाद में जो कल मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो आपको मालूम होना चाहिए। एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल मिश्रधन दिया है या पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का ब्याज दिया है, तो भाई ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सिंपल कुछ सवाल है, मिक्स सवाल है, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम किसी भी मेथड से करेंगे। अब हम आपको मेथड नहीं बताएंगे, अब आपको हमको आंसर बताना है और मेथड खुद देखना है कि आप कैसे कर रहे हो, बस आंसर जल्दी आना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे नहीं कि आपको किस मेथड से करना है, आपको करना है उत्तर जल्दी निकालना है, आपका मकसद ये है। किसी भी मेथड से करो, बस ये आपको देखना है कि जिस मेथड से मैं आपको हल कराता हूं कि आपका दिमाग वही मेथड सोच पा रहा है कि नहीं। जैसे कह रहा है 15% प्रतिवर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। क्या कह रहा है कि 15% प्रतिवर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। ये दर हमारी कैसी है, एक साल की है, प्रतिवर्ष की दर। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि अगर हम कैसा लगाएंगे, अर्धवार्षिक रूप से लगाएंगे, तो कह रहा है वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी। एक साल का बच्चा कितना है, 12 महीने का है 15%, लेकिन कह रहा है कि हमें 12 महीने में नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, 6 महीने में लगाना है, तो 15/2% रहेगा और 15/2% रहेगा। लेकिन हमें यह मालूम है, हमें यह मालूम है कि जो अगर हम अर्धवार्षिक ब्याज करते हैं, जैसे अगर भाई हमारा मान लो 20% वार्षिक है, 20% हमारा क्या है वार्षिक, अगर हम इसको अर्धवार्षिक लगा देते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा, 10 और 10 का टोटल निकालोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 21%। अगर आप ब्याज कम समय में लोगे तो आपको जो कुल ब्याज मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा। भाई अर्धवार्षिक पे जो ब्याज है हमेशा वार्षिक से ज्यादा मिलेगा, तिमाही पे जो ब्याज है वो छमाही पे ब्याज से लिए गए ब्याज से ज्यादा मिलेगा। मतलब जितने कम समय में आप ब्याज जोड़ना स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। तो भाई अगर सालाना जोड़ रहे तो एक साल का 15% है, अगर बच्चा छमाही जोड़ेंगे, क्या करेंगे, छमाही जोड़ेंगे, तो हमको ये मालूम है कि 15% से तो ज्यादा हमारा आंसर आएगा, 15% से ज्यादा आंसर आएगा, 15% से ज्यादा आंसर आएगा, तो क्या 31% पहुंच जाएगा, क्या 30% पहुंच जाएगा, नहीं बच्चा इतना नहीं पहुंचेगा, कि दो गुना नहीं हो जाएगा। 15% है तो 15% से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे हमारे पास में क्या था, 20% था, छमाही लगाया था तो कितना आ गया था, 21% आ गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अब देखो 20 के केस में 21% पहुंच रहा है, 20 में एक बढ़ रहा है, तो अगर हमारा 15% है तो बच्चा 15 से ज्यादा 16 तक पहुंच पाएगा, 15 और 16 के बीच में रहेगा, 15 और 16 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप आंसर देखोगे तो यह आंसर नहीं है, अगर आप आंसर देखोगे तो यह आंसर नहीं है, अगर आप आंसर देखोगे तो यह आंसर नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है, ये वाला है। मिस्टेक तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। भाई अगर इन दोनों को जोड़ोगे, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15, और फिर इसका इंटू ये करोगे तो बच्चा 15/15 कितना हो जाएगा, 225, और बटे में कितना हो जाएगा, 400, यही हो जाएगा। भाई 15/2 × 15/2 करोगे 225 बटे 4, और 100 और रहता है तो 400 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 4 से भाग दे दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 बचा लगभग लगभग 4 × 6 = 24, अब आगे भी आ सकता है, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, इतना आ जाएगा दशमलव में, और 100 से भाग दे दोगे तो कहां पे आ जाएगा, 10.5625 आ जाएगा, तो 15.5625 आ जाएगा, 15.5625%। लेकिन भैया हमारे ऑप्शन में तो भाई लगभग लगभग में दिया हुआ है, बट हमने क्या है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि हमारे ये जो तीन आंसर थे ये पॉसिबल ही नहीं थे, ये इम्पॉसिबल थे। अगर तीन आंसर हमारे इम्पॉसिबल थे तो एक ही हमारा आंसर संभव था, और हमने आंसर भी निकाला तो हम कहां पर पहुंच रहे, वहीं पर पहुंच रहे। बोलो बच्चा क्लियर, और करते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रमशः 100 रुपए और 1040 रुपए है।
कह रहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे दो साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है। दर हमारी क्या है, समान। एक बार किसकी बात कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, एक बार किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। कह रहा है हमारा साधारण ब्याज कितना है, इतना है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है। तो कह रहा है ब्याज की दर बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का अंतर निकालोगे भाई। अगर आपको पुराना कॉन्सेप्ट याद है, इन दोनों का अंतर निकालोगे बच्चा कितना आ जाएगा 40, और क्या करोगे इसका आधा करोगे बच्चा कितना आ जाएगा 500, और गुणे में बच्चा क्या कर दोगे 100। यही हमारा आंसर, 2020 कट जाएगा, 5 × 40 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8%। कैसे भाई, दो साल की बात कर रहे हैं तो दो साल में रेशियो हमारा क्या रहता है, 2:1 रहता है। तो भाई यहां पर हमारा I1 है और यहां पर हमारा क्या है I2। तो ये जो 2I1 होता है ये हमारा बच्चा क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1000, और ये जो 2I1 प्लस I2 रहता है तो ये हमारा क्या रहता है दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 1040 दे रखा है। आपको दो चीजें निकालनी होती है, अगर आपको I2 मालूम है, आपको I1 मालूम है, तो जो आपकी रेट हो जाएगी वही बच्चा I2 क्या है I1 पर ब्याज, अगर ये हमारा मूलधन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, और जो दर है बच्चा कितनी हो जाएगी 100। तो भाई जब इसमें से इसको घटाते हैं तो I2 का मान बच्चा कितना आ जाता है 40, और भाई 2I1 का मान 1000 है तो I1 का मान कितना आ जाएगा 500, और बस यही कैलकुलेशन किया था। शॉर्ट में हमेशा याद रखो, बेसिक ये है आपका, ये मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है, ठीक। बस मिक्स क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, शॉर्टकट भी याद रहना चाहिए। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बात करो। देखो बच्चा बहुत ही सिंपल सी बात है, 3 साल के साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 3 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना है इतना है, तो बच्चा 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, हर साल साधारण ब्याज हमारा क्या रहता है बराबर बराबर रहता है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200। 1 साल का साधारण ब्याज का मतलब हमारा I1 आ जाएगा, I1 का मान कितना हो गया 200, तो बच्चा 2I1 का मान कितना आ जाएगा, 2I1 का मान आ जाएगा 400, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2I1 प्लस I2, और इसका मान कितना दे रखा है बच्चा 450। तो इसमें से इसको कटाओ बच्चा कितना आ गया 50, ये हमारा I2 का मान, और I1 का मान बच्चा कितना है 200, और गुणे में क्या कर दो 100, 20 से 20 गया, 2 से काट दोगे बच्चा कितना आंसर आ जाएगा 25%, ये हमारा क्या है 25%। हो सकता है इसमें 3 साल का साधारण ब्याज ना देके इसी सवाल में आपको ये बोल देता कि बच्चा तीसरे साल का साधारण ब्याज, या दूसरे साल का भी साधारण ब्याज बोल सकता था, और आपको थोड़ा और अगर परेशान करना चाहता, अगर आपको थोड़ा और परेशान करना चाहता तो यहाँ पे लिख देता 7वें साल का या 10वें साल का साधारण ब्याज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज के केस में हर साल ब्याज बराबर मिलता है, पहले साल का भी ब्याज उतना ही रहेगा, दूसरे साल का भी उतना ही रहेगा, तीसरे साल का भी उतना ही रहेगा, चौथे साल का भी उतना रहेगा। अगर तीसरे साल का साधारण ब्याज 200 है तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 200, 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा 400, तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा फिर से। बोले बच्चा क्लियर हो गया। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बन सकते थे और एक सवाल को हम लोग जितने भी तरीके से कर सकते थे, हर तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब कोई भी सवाल आप उठाओ, चाहे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हो, चाहे वो अभी किसी एग्जाम का आया हो, चाहे वो किसी बुक का कोई भी सवाल हो, किसी बुक का कोई भी सवाल हो, आप सवाल देखोगे तो आपको मालूम चलेगा अरे सर ने तो ये सवाल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है, बस आपको कैलकुलेशन करना रहेगा और ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जो मैंने आपको तरीके सिखा रखे हैं कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो किस तरीके से हल करना है, ऐसा सवाल आएगा तो किस तरीके से हल करना है, ऐसा सवाल आएगा तो किस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया है, अब हमारा सिर्फ इसमें बच गया है इंस्टॉलमेंट किस्त, और इंस्टॉलमेंट किस्त आपकी बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगी क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पे सवाल आते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के सवाल से और भी ज्यादा आसान आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में थोड़ी सी कठिनाई होती है करने में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल आते हैं बहुत ही आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हमारा कैलकुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, एक तो किस्त ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो ज्यादा नहीं देते। कॉन्सेप्ट इसमें भी वही रहेगा, बच्चा एक हमने उधार लिया है और एक हमारा देय राशि है और उसके बीच में हमारी क्या है किस्त, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। अगर हमें इसका मान दिया है और इसका मान दिया है तो कैसे कनेक्शन रहे, अगर इसका मान दिया है और इसका मान दिया है तो कैसे कनेक्शन है, सब हम लोग आसानी से निकाल लें। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रही है बात, बोलो जल्दी से बोलो, सभी को क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो इंस्टॉलमेंट के सवाल है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, परसों से हमारा, आज कौन सा दिन है, आज हमारा है बुधवार, तो गुरुवार को खत्म हो जाएगा, शुक्रवार से आपका एकदम नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और शुक्रवार से हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, रेशियो, रेशियो बहुत बड़ा नहीं है, रेशियो आसानी से खत्म हो जाएगा, फिर रेशियो के बाद में पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन भी हमारा बहुत बड़ा नहीं रहेगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। आप देखोगे कि रेशियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बेसिक बेसिक सवाल के चक्कर में ही तो कुछ मेथड पढ़ रखे हैं, कुछ जो आपके अच्छे सवाल है वो रेशियो मेथड में पढ़ेंगे, उसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन के बाद में हमारा एवरेज है, टाइम वर्क है, मतलब जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें एज आ जाएगा, एज के बाद हमारा पार्टनरशिप आ जाएगा, पार्टनरशिप के बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लेंगे, मिक्सचर एलिगेशन के बाद में हमारा क्या बचेगा, एवरेज पढ़ लेंगे, एवरेज के बाद में हमारा दो चीजें बचेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बस पूरा का पूरा कोर्स खत्म। स्टैटिक्स बच जाएगा, स्टैटिक्स भी लास्ट में पढ़ लेंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे, अच्छा वो आपने बोला तो पीडीएफ हम सेव कर लेते हैं, पीडीएफ बच्चा जरूर सेव करेंगे। और सभी लोग अपने से भी नोट्स बनाया करो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप क्या करो नोट्स प्रिपेयर करके रखो ताकि रिवीजन में आपको आसानी मिले, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो दो घंटे का एक घंटे का वीडियो ना देखना पड़े, आप फटाक से नोट्स उठाओ और उस नोट्स को देख लो। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को रफ कर देते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखो उसको रफ मत करो, ताकि बाद में जब दोबारा देखो तो आप उसे कनेक्ट कर सको, आप समझ सको कि सर ने यहाँ पे क्या बताया था, क्योंकि अगर 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद आप ढूंढने जाओगे कि सर ने क्या बताया था, कुछ भी याद नहीं आएगा, जो लिखा है वही याद आएगा, जो नहीं लिखा है वो याद नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी ने भी कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर बीच में छोड़ा है, मिस किया है, पहले देखा है बाद में देखा है, कोई पार्ट ऐसा उसे लगा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे लेक्चर हैं इसी सीक्वेंस में देखना जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, आगे पीछे नहीं देखना, आगे पीछे देखोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, एक प्रॉपर कनेक्शन से मैंने पढ़ाया है, पहले एक चीज बताई है उसका यूज मैंने दूसरी जगह कराया है, फिर दूसरी चीज बताई है उसका यूज मैंने तीसरी जगह कराया है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया है, और आपको भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना है अगर आपको हर चीज समझनी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हम लोगों ने या तो कैलकुलेशन किया हो या जिसमें मेहनत की हो, कोई सवाल भी मेहनत नहीं किया, हर सवाल हमारा आसानी से आ गया। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं कल, ओके, नोट बनाते हैं, ओके, वेरी गुड, नोट बनाना भी चाहिए।